Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमांड ने आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया है। इस दौरान आकाश मिसाइल को एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया और उसने कई टारगेट्स को बड़े ही सफलतापूर्वक मार गिराया। इस मौके पर सेना के कई अधिकारी और डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट मौजूद थे। आपको बता दें कि इस मिसाइल को भारतीय सेना ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया है और ये माना जा रहा है कि ये आकाश के नए वर्जन का टेस्ट हो सकता है, जिसे कहा जा रहा है आकाश प्राइम। पिछले साल सितंबर के महीने में भी इस मिसाइल को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल परीक्षण किया गया था इसका। तब इसे मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में इसने ध्वस्त किया था। अब ये टेस्टिंग किस तरह की थी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये बात पुख्ता की गई है कि टारगेट पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। आइए समझते हैं कि आखिर आकाश प्राइम यानी आकाश का नया वर्जन किस तरह से दुश्मन का काल बनेगा। आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव आरएफ सीकर लगा है, जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के लिए तापमान नियंत्रण के यंत्र को अपग्रेड किया गया है, ग्राउंड सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा रडार, ईओटीएस और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रैजेक्टरी और फ्लाइट पैरामीटर्स को सुधारा गया है, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी अभी तक सेना या सरकार या डीआरडीओ की तरफ से नहीं दी गई है। आकाश एनजी मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। आकाश एनजी का कुल वजन 720 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 19 फीट और व्यास 1.16 फीट है। ये अपने साथ 60 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। फिलहाल भारत में इसके तीन वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश एमके, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश एमके2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। और तीसरा आकाश एनजी, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश एनजी मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी गति है। ये दुश्मन को बचने की तैयारी का मौका नहीं देती। इसकी गति 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आकाश एनजी मिसाइल के पुराने संस्करण साल 2009 से भारतीय सेनाओं को अपनी सेवा दे रहे हैं। आकाश एनजी मिसाइल को T-72 या BMP चेसिस या टाटा मोटर्स के हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम से दागा जा सकता है। इस मिसाइल के मोबाइल लॉन्च सिस्टम के लिए गाड़ियां टाटा मोटर्स और BEML तात्रा कंपनियां बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।